हमारे घर में किया जाना है क्योंकि आज है हमारी रू का बर्थडे। यस गाइस, आज हमारी रू का बर्थडे है, आज है 18 मई। और शायद ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, तो पता नहीं कब अपलोड कर पाऊंगी। जब मुझे टाइम मिलेगा एड करके तब मैं अपलोड कर दूंगी। वैसे मुझे नहीं पता है मैं कब अपलोड कर पाऊंगी, लेकिन आज इनका बर्थडे है तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ। वैसे मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अगेन आज मैंने पहनी है साड़ी, यू कैन सी। और इरा को बुलाते हैं। इरा इधर आओ प्लीज। इरू हो गई है गुस्सा क्योंकि हमने खा लिए हैं इरू के जैम्स। गाइज एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मार्केट जाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, और हमारे यहाँ भी कुछ दिनों के लिए मार्केट खुला भी था। थोड़ी कुछ शॉप खुली थी, कुछ शॉप बंद थी, तो उस टाइम पे हम मार्केट नहीं जा पाए थे। तो इरू के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं आ पाया है, और पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। केक हम घर पे ही बनाने वाले हैं। इरा आ जाओ ना प्लीज। इरा सब लोग बोल रहे हैं बर्थडे गर्ल कहाँ है, बर्थडे गर्ल कहाँ है, आ जाओ। इरा ना बहुत गुस्सा हो गई है, हमने मंगाए थे जैम क्योंकि हम केक बनाएंगे घर पे, तो उसको डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा सामान मंगाया था। यहीं पे ना, यहीं पे एक पास में शॉप है घर के पास में ही, वहीं से ये सामान मंगा लिया है। और थोड़ा बहुत कुछ सामान पिछले साल का भी रखा था। एंड मेरे हैंड में होने लगता है दर्द फोन को पकड़े पकड़े, तो वही हीरू गुस्सा हो गई हैं और हीरू आ नहीं रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये मंगाए हैं थोड़े जेम्स, और ये जो हैप्पी बर्थडे होता है ना वो, और ये है टॉफी। इरू 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 से हाय। ओके ओके ओके, इरा 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 प्लीज, इरा प्लीज तरा। क्या कर रही हो? जैम खा रहा हूँ। जैम। और सब लोग बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे इरा, हैप्पी बर्थडे इरा। थैंक यू। ओके, वैसे आप किसका बर्थडे है? मेरा। मुझे लग रहा है रुद्र का बर्थडे है। देखो ये क्या हो रहा है, जैम छुपा के रखे जा रहे हैं, नहीं तो इरू सारे जैम खा लेगी। और एक ही बलून आ पाया है अभी। कल ये गए थे यहाँ पे सामान लेने घर के पास में ही एक शॉप, मैं ये क्या कर रही हूँ, घर के पास में ही एक शॉप है, वहाँ से ये थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे। वहाँ पे बलून नहीं मिले थे। और दीदी बोल रही है कि केक बनाएंगे तो आओ वीडियो बनाना है, तो बना लो। मैं थोड़ा बहुत कुछ देखती हूँ क्या शेयर कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। केक बनाएंगे हम घर पे ही, और डेकोरेशन के लिए भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। देखो, बस क्या मिला है? यही है, और तो कुछ भी नहीं है। और आपको बहुत सी आवाज़ें आ रही होंगी घर में, क्योंकि घर में आज सभी लोग हैं, तो थोड़ा शोर हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड चलते हैं, अब देखते हैं केक बनाना है तो कैसे बनाते हैं। वैसे गाइस आज हम बनाएंगे खोए का केक, जो कि घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने इसे शायद ही एक आध बार बनाया है, मुझे बनाना नहीं आता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और सबसे पहले हम केक बनाने के लिए बनाएंगे खोया। तो मैंने यहाँ पे दूध बॉईल होने रख दिया है, और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा, और धीरे धीरे हमारा खोया तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, ये हमारा खोया तैयार हो गया है। गाइज इतना भी कम टाइम नहीं लगता है जितना आपको लग रहा है, बहुत टाइम लगता है खोया बनाने में। और खोया बनाने के बाद मैं इसको एक बड़े बर्तन में अच्छे से फैला दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जब खोया गर्म होता है तो हमें उसमें कुछ भी मीठा ऐड नहीं करना चाहिए। तो पहले ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसमें मीठा ऐड करूँगी। और ये दीदी आ गई है, दीदी बनाएंगी केक और मैं कर रही हूँ बाकी का काम। अभी मैं रोटी सेक रही हूँ और दीदी ये केक बना रही है। तो दीदी ने इसमें ऐड किया है कंद, जो मोटा भूरा होता है उसे हमारे यहाँ कंद बोलते हैं। और कंद मिलाने के बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से मैश करना है, काफ़ी अच्छे से आपको इसे मिक्स करना होता है ताकि सारा मीठा इक्वली अच्छे से मिल जाए। ऐसा ना हो कि कहीं आपका केक ज़्यादा मीठा है या कहीं आपका केक फीका है,
तो अच्छे से इसने कंध ऐड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बूरा। गाइस यहाँ पे हमने आधा कंध और आधा बूरा लिया है क्योंकि कंध थोड़ा मोटा होता है तो हमें ज़्यादा कंध नहीं चाहिए था और बूरा थोड़ा ज़्यादा पतला होता है तो हमें पूरा बूरा भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें हाफ हाफ ले ली हैं और दीदी से अच्छे से मिक्स कर ले रही हैं। गाइस आपको मिक्स करने वाला स्टेप काफ़ी अच्छे से करना है और अब इसमें ऐड कर दिया है कटा हुआ गोला और इसमें ऐड करा है इलायची पाउडर और दीदी यहाँ पे इसका डो बना के देख रही है कि अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन गाइस ये काफ़ी अच्छे से बन गया था, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक जैसा शेप आ गया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉकलेट। किस किस का चॉकलेट अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे इसके ऊपर डालने के लिए। गाइस चॉकलेट का केक बच्चों को काफ़ी पसंद होता है, इरू बोल रही थी चॉकलेट केक बनाने के लिए तो हमने कुछ इस तरीके से आइडिया लगाया और चॉकलेट केक बनाया जो काफ़ी ईजी भी है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इस तरीके से आप इस पे चॉकलेट को अच्छे से डाल लीजिए, अच्छे से चॉकलेट से इसको ढक दीजिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी छत पे कपड़े सुखाने। काफ़ी देर से कपड़े रखे हुए थे नीचे तो मैंने कहा लाओ छत पे कपड़े सुखा देती हूँ। और कपड़े सुखाने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। गाइस हमारी गली में एक छोटा सा मंदिर है तो हम वहीं पे जाएंगे, इरू का बर्थडे है तो मंदिर जाना तो बनता है। तो कैसे फुला रही हूँ गाइस, ये वाला आइडिया बलून फुलाने का काफ़ी अच्छा है। मम्मी जी का था ये वाला आइडिया, उन्होंने कहा इस तरीके से बलून फुलाओ क्योंकि ना बलून फुलाने से ना चीक्स में काफ़ी पेन होने लग गया था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मम्मी ने कहा इस तरीके से बलून फुलाओ। मैंने तो सिर्फ एक दो ही फुलाया था, बाकी तो भैया ने ही फुलाए थे तो वो बलून फुला रहे हैं। ये देखिए गाइस सारे बलून फूल चुके हैं और इरू बलून के साथ फोटोज क्लिक करा रही थी। देखो इरू कितनी प्यारी लग रही है, इरू ने सारे बलून यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। बोल रही थी बलून धूप में नहीं जाओ, तुम फट जाओगे तुम फट जाओगे। और इरा यहाँ पे छोटा सा फोटोशूट करा रही है, पिक्चर क्लिक करा रही है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है। गाइस आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं इरू को ज़रूर बर्थडे विश करना कमेंट करके, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो हमारा केक कंप्लीट होने वाला है, इसको चॉकलेट से अच्छे से कवर अप कर दिया है और यहाँ पे इस पर जेम्स लगा रहे हैं। एंड गाइस केक पे जो जेम्स लगाने से लुक आया है बहुत ही प्यारा लग रहा है। सच में जेम्स लगाने से काफ़ी अच्छा लगने लगा था और इरू को भी केक सच में काफ़ी पसंद आया था और घर पे भी सब लोग को सच में काफ़ी अच्छा लगा था। भैया बोल रहे थे कि ऊपर से केक कैसे किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको ना एक कार्डबोर्ड पे रख लिया है अभी क्योंकि कार्डबोर्ड मैसी हो जाएगा इसलिए, और इसको बाद में हटा के एक ट्रे में रख लेंगे तो अभी इसको इसीलिए इस पर रख दिया है। एंड आप देख सकते हैं केक कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। क्या कर रही है, इरू को मिल गया है बर्थडे से पहले ही
उनका गिफ्ट, तो वो खेल रही हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा कुछ सामान था भी नहीं और टाइम भी बहुत ही कम था, तो इतना ही कुछ कर पाया है, आप देख ही सकते हैं। और ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये देखिए इनके फोटोज यहाँ पे लगा दिए। और एक और बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइस खाने की तैयारियां भी हो रही हैं और अभी हम बनाएंगे इरू का फेवरेट लेडी फिंगर एंड आज बनाएंगे छोले आलू जो कि सबको घर में काफी अच्छे लगते हैं। और पूरी कचौड़ी, बर्थडे पे ये वाला खाना तो बनता है। मम्मी बोल रही थी, हमने कहा था सुबह खाना बना लेते हैं, मम्मी बोल रही थी बर्थडे शाम को होता है तो शाम को खाना बनाएंगे। एंड आपको ये लग रहा होगा ये किस पे रखा हुआ है, तो अभी मैंने इसको रखा है एक कार्डबोर्ड पे और मैं अभी इसे ट्रे में सेट करूंगी। इस पे इसलिए रख दिया है क्योंकि ये मैसी हो जाएगा तो मैं इसे हटा दूंगी और ट्रे में अच्छे से रख दूंगी। तो गाइस घर पे ही मैंने इसे बनाया है, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया है, मेरी सिस्टर ने बनाया है, मैंने बस थोड़ी बहुत हेल्प की है और मैं इसे ट्रे में सेट करने वाली हूँ। तो आई थिंक केक आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर चॉकलेट लगाया है तो ये पिघलना स्टार्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी इसको फ्रिज में रख देती हूँ। एंड गाइस अभी हो रही है शाम के खाने की तैयारी और यहाँ पर सारी चीज़ें कट करके रखी हैं। एंड गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसका पार्ट टू मैं एक आध दिन में अपलोड करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।